दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईटी इंजीनियर बनने के फायदे। बेसिकली अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ द कैरियर ग्रोथ ऑफ एज अ आईटी इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आना चाहते हो तो उसके पहले आपके पास कंप्यूटर का कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। बैकग्राउंड इन द सेंस कि अगर आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हो, मीन्स BCA कर रहे हो, आप BTech कर रहे हो, या कोई भी और ऐसा पॉलीटेक्निक वगैरह कर रहे हो, कोई भी ऐसा IT कोर्स कर रहे हो जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज है। अब यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपको BTech CS से करना है, आप MTech करके भी मैकेनिकल से किया, सिविल से किया, तब भी आप जा सकते हो, बट फिर आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको पहले से ही IT का नॉलेज है, आप IT की बैकग्राउंड से, तो आपको चीज़ें सीखने में थोड़ा इजी हो जाती हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पे ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों IT का जो स्कोप है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और बहुत आगे ये जाने वाला है, क्योंकि अभी देखो हम लोग पहले क्या करते थे, फिजिकली कंप्यूटर यूज़ करते थे एक सर्वर के लिए। अब क्या हो रहा है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म आ गए, AWS आ गया, Azure आ गया, अलीबाबा क्लाउड, गूगल क्लाउड, मतलब मल्टीपल ब्रांड्स ने अपने अपने ऑफर कर दिए हैं क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म को, तो वो सारी कंपनियां भी शिफ्ट कर रही हैं क्लाउड पे। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है IT में, और IT फील्ड एक ऐसा है ना जिसको आप कभी इसको लॉसेस में नहीं देखोगे। आप अगर कहीं मार्केट पे जाओगे या मार्केट में सर्च करोगे तो IT की वैकेंसी हमेशा आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगी, या हमेशा आपको चलती हुई मिलेगी, क्योंकि IT के लिए ना बहुत अपने में एक बहुत बड़ा फील्ड है और जिसका करियर एंड ग्रोथ कभी ख़त्म नहीं होना है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर उठा के देख लो, मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल अगर ले लूँ एक डेवलपर का, तो डेवलपर के अंदर ना बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग, आप जावा डेवलपर, PHP डेवलपर, .NET डेवलपर, पाइथन, कोर जावा, C++, मतलब मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें भरी हैं। तो अगर आप किसी IT की एक फील्ड से जाने के बाद भी, और अगर आप ऊपर तक जाना चाहते हो, एक मतलब अच्छी खासी सैलरी पे काम करना चाहते हो, तो किसी भी एक प्रोफाइल को उठा के और आप उसमें मास्टर बन जाओ, आप उसमें लाइक एक PhD की तरीके अगर आप उसमें कर लेते हो, तो आने वाले दिनों में उसका फ्यूचर करियर ग्रोथ और सैलरी के अकॉर्डिंग, उसमें सैलरी जिस हिसाब से आपको मिलेगी बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि इसका करियर कभी ख़त्म नहीं होता है। आप अगर किसी और भी फील्ड से हो, अगर आप मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी और भी ब्रांच से हो, तब भी आप जा सकते हो, बट क्या है कि आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। उतना टैलेंट आपके पास बेसिकली होना चाहिए ताकि आप कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे सको और उसको क्रैक कर सको, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर वो आपसे ऑलमोस्ट अगर मैं एक सीधी सी बात करूं, अगर 1 लाख रुपए आपसे वो निकाल लेगी मंथली, उसके बाद आपको 10,000 रुपये सैलरी देगी, तो उस बिहाइव पे कंपनी आपको हायर करती है। और रही बात इसमें कि अगर आप अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, मैं यहाँ पे डेवलपर की बात कर रहा हूँ, और इसके बाद आप मूव होना चाहते हो क्लाउड में या किसी पर्टिकुलर एक फील्ड में, तो जब एक बार आपका इनिशियल हो जाता है, जब एक बार आपका करियर स्टार्ट हो जाता है, तो आपको वो चीज़ें पता चलती रहती हैं इंटरनली कि हाँ मैं ये करूँगा तो इसमें क्या मिलेगा, ये करूँगा तो आगे कितनी ग्रोथ होगी, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहती हैं। होप आप समझ गए होगी एग्जैक्टली एक्चुअली में इसका ग्रोथ कैसा है और सैलरी वाइज कैसा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।